हरियाणा में पारमंडल की एक बैठक आज चेयरमैन रोशनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आए हुए व्यापारियों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि व्यापारी सरकार का हर कदम पर साथ दे रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार ने दो व्यापारिक रैलियां एक कुरुक्षेत्र और दूसरी रोहतक में की थी। मुख्यमंत्री ने वहाँ कई घोषणाएं व्यापारियों के लिए की थी, परंतु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया। व्यापारियों ने मांग की है कि उन सभी घोषणाओं पर अमली जामा पहनाया जाए। व्यापारी कल्याण बोर्ड सफेद हाथी बनकर रह गया है। इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर जल्द ही व्यापारियों को अपनी बात रखने के लिए फ्रंट दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की जाए। सार्वजनिक बीमा योजना का लाभ व्यापारियों को दिया जाए। व्यापारियों का कम दरों पर ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर व्यापारी का ऋण माफ करना चाहिए। सरकार के स्वच्छ प्रशासन के दावों के बावजूद इंस्पेक्टरी राज तथा लाल फीताशाही से व्यापारियों को अब तक मुक्ति नहीं मिले, इसका भी समाधान होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कई मांगे व्यापारियों ने रखी। मेरा विषय सबसे महत्वपूर्ण एक ही है कि कल जो बजट आया है उस बजट में मजदूरों को भी पेंशन योजना का प्रावधान है, किसान को भी पेंशन योजना का प्रावधान है, व्यापारी के लिए क्यों नहीं? ताउम्र हम लोग सरकार का खजाना भरते रहते हैं, 6 करोड़ फुटकर व्यापारी भारत में है, उनको भी सरकार बिना किसी देरी के इसी बजट में 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान करे और बजट में तुरंत रोल बैक करे। जैसे भी दो रैलियां माननीय मुख्यमंत्री ने की, व्यापार मंडल ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया। उसमें 40% 50% तक मांगे मान ली गई, परंतु बड़े खेद का विषय है कि आज तक 2 साल बीत जाने के बाद भी व्यापार कल्याण बोर्ड में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। वो सफेद हाथी बन के रह गया और जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने की थी वो एज इट इज फाइलों में दबी पड़ी है। अफसरशाही ने आज तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया। गुप्ता जी, व्यापार मंडल क्या करेगा? देखो, इतना जल्दी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। व्यापार मंडल क्या करेगा, हम पूरा जोर लगा के माननीय मुख्यमंत्री से और केंद्र सरकार से अपने ऑल इंडिया व्यापार मंडल जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है उसको साथ लेके अपनी मांग मनवाने का भरसक प्रयास करें। अगर मांग नहीं मानी जाती है तब हम बैठक करके फिर निर्णय लेंगे। देखिए, जैसे कि हर बार यही रहता है बजट आने से पहले और बाद में भी, हमने बार बार अपील करते हैं कि व्यापारी को किसी तरह की कोई भी सुरक्षा नहीं है और दो रैली हो चुकी हैं, तो हर बार सीएम साहब ने अनाउंस भी कर चुके हैं कि हम सुरक्षा देंगे उनको और बीमा पॉलिसीज भी हम लेके आएंगे, किसी तरह की कोई भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और 3 साल से रेगुलर हम बोलते हैं ना कि व्यापारी भी दुनिया भर का टैक्स दे रहा है, सब चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई भी किसी तरह की पेंशन योजना जो है उनको स्टार्ट नहीं की गई। तो जल्द से जल्द जो है पेंशन योजना स्टार्ट कर दी जाए ताकि सभी व्यापारी जो है खुश हों, आगे इलेक्शन भी आने लग रहे हैं, उनको भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। हैंडलूम नगरी है, इस पे बोल दो। देखिए, मैं सेल टैक्स विभाग को सचेत करना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं रिफंड के ऊपर, जिसमें रिफंड के लिए व्यापारी से 8 या 10% रिश्वत मांगी जा रही है और खुलेआम मांगी जा रही है, सीए के थ्रू या एडवोकेट के थ्रू मांगी जा रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसे, नहीं तो फिर हरियाणा व्यापार मंडल जल्द से जल्द सामने खड़े होने में गुरेज नहीं करेगा। रोशनलाल गुप्ता जी ने बताया है कि व्यापारियों की पेंशन के लिए और भी काफी चीजें बताई हैं जो दिखते हैं, तो हमको ये नजर आ रहा है कि जो फुटकर व्यापारी है जिसकी दुकान भी किराए पे है, मकान भी किराए पे है, कम से कम छत सोने वाली जिसके नीचे वो सो पाए तो उसको छत 1 बेडरूम जरूर मिलना चाहिए, मगर यहाँ 1 बेडरूम गवर्नमेंट देती है तो इतनी पेमेंट लगा देती है कि वो बेचारा उसका भुगतान भी नहीं कर पाता। तो हम यही चाहते हैं कि जो फुटकर व्यापारी है जिसके पास मकान नहीं है अपना, 1 रूम कम से कम उसको फ्री, मतलब ये नहीं कि इतने लोन कर दिए जाएं बीच में बिल्डर ही खा जाए पैसा, ऐसा भी नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट इस तरह करे कि इतना पैसा उसे अमाउंट देना पड़े। उसको कम से कम जो छोटा व्यापारी जिसके पास बेचारे पास मकान नहीं है, 24 घंटे देश के लिए और व्यापार के लिए कार्य कर रहा है, इतना टैक्स दे रहा है, उसको मकान के लिए जरूर देना चाहिए। केस किया है उसमें जो 5 लाख वाली स्कीम है उसमें सरकार का स्वागत है, लेकिन जो छोटे व्यापारी जो बेचारे जिनका घर और मकान अपना नहीं है, दुकान अपनी नहीं है, उन व्यापारियों को ऐसी कोई सुविधा दी जाए कि वो अपना रोजमर्रा गुजारा कर सके। उसके लिए जो किसानों के लिए ऋण माफी या किसानों को जो सुविधा दे रहे हैं, इस तरह कोई उन
छोटे छोटे व्यापारी, रेडी वाले या छोटे छोटे व्यापारी, उनको भी सुविधा दी जाए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। बाकी तो व्यापारी भी कई समस्याएं हैं, अगर सरकार बहुत योजनाएं लेके आती है, अफसर सारे ना हो, अफसर सारे मिलकर के काम करें तो सरकार का जो योजना है वो अच्छे रूप से लागू हो जाती है। लेकिन कई जगह देखा है कि मतलब अफसर प्रॉपर समय पे काम नहीं करते तो जनता परेशान रहती है, व्यापारी परेशान रहते हैं। तो यही अनुरोध है कि सरकार की नीतियों जो बनाती है सरकार, वो अफसर भी उस पर अमल करके उसको उसी तरीके से काम करें। व्यापार कल्याण बोर्ड को बता दो बोलना। मैं अतुल गुप्ता हरियाणा व्यापार मंडल से, मेरी सरकार से एक ही मांग है हरियाणा व्यापार मंडल की तरफ से कि जो छोटे व्यापारी है उनको कम दरों पे ऋण उपलब्ध करवाया जाए, और जो लोग ऋण पहले जिन्होंने लिया हुआ है और उनका व्यापार अगर नहीं चल रहा तो उसका ऋण भी माफ करवाया जाए।